अफ्रीका में दुकान में नौकरी देने के लिए अजमेर के युवक को भेजा गया, लेकिन अफ्रीका में उससे मजदूरी करवाई गई। जब पीड़ित द्वारा वापस भारत भेजने की बात कही तो दलाल ने 1.5 लाख रुपए और ले लिए। इस मामले को लेकर पीड़ित मनीष बेरवाल ने विभिन्न धाराओं में गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामले की जानकारी देते हुए गंज थाने के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि इंदिरा नगर अलवर गेट क्षेत्र का रहने वाला मनीष बेरवा धोखाधड़ी का शिकार हुआ है। उसने बताया कि विदेश में दुकान पर नौकरी देने के बहाने विजय भगवानी ने उसे भेजा, लेकिन वहां मजदूरी करवाई गई और जब वापस बुलाने की बात कही तो फिर 1.5 लाख रुपए और ले लिए। ऐसे में उसके साथ धोखाधड़ी की गई, जिसे लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मनीष बैरवाल है, ये इंदिरा नगर मदार गेट अलवर गेट का रहने वाला है। इसने एक नौकरी की विज्ञप्ति देखी थी, विजय भगवानी है अपने गंज थाना क्षेत्र का रहने वाला, विदेश के नाम से उससे 1.5 लाख रुपए ले लिए और विदेश में भेज दिया। वहाँ उस पर जिस काम के लिए भेजा था, दुकान पर सेलिंग के लिए रखने के लिए भेजा था, वो काम न करवा के उससे सीमेंट बजरी मजदूरी का काम कराया और उसको वापस बुलाने के लिए उसे 1.5 लाख रुपए कबूतरबाजी करके 420 की है उसके मुकदमा दर्ज करके श्रीमान डिप्टी साहब द्वारा जांच की जा रही है। अफ्रीका भेजा था इसको दिसंबर के महीने में, इसको बुलाने के एवज में इससे 1.5 लाख रुपए विजय भगवानी है उसने छल से पैसे ले लिए हैं। किन धाराओं में? 420, 406 और एक SC ST में दर्ज प्रकरण हुआ है। श्रीमान CO साहब द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस थाना ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल पुलिस थाना गंजगंज में।